गुड इवनिंग एवरी वन. नाउ आई हैव टू डिस्क्राइब यू द फंडामेंटल आर्टिक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मैंशन इन आवर इन आर्टिकल 12 to 35. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल द आर्टिकल 12 इन विच द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट इज मैंशन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. ओके Firstly, we have to see some historical background, some history of our fundamental rights, and where we have to taken from the fundamental rights. Okay. In the evolution time, क्या हुआ था कि वहाँ पे king होते थे, King John. ठीक है, उनका ही रूल चलता था, वही लोग अपने आप को मतलब किंग वगैरह बहुत अच्छा मानते थे. तो इसमें क्या हुआ था, एक टर्म आई थी मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक ग्रेट चार्टर जो क्या करता है, इट गारंटीज द इंडिविजुअल राइट. ओके, फिर इसके अंदर क्या आया था, ये कुछ जो मैग्ना कार्टा था कुछ तीन चेंजेस लेके आया था हमारी लॉ के अंदर. और यहीं से ही फ्रॉम द मैग्ना कार्टा वर्ड आवर लीगल वर्ड स्टार्टेड. ओके, इसके अंदर क्या आया था, सबसे पहले कुछ ये राइट्स लेके आया था. इसके अंदर उसने जो ये एक वर्ड था, सेकंड वर्ड बिग बैंग, इसने ये वर्ड यूज़ किया था लॉ के लिए, क्योंकि फ्रॉम द मैग्ना कार्टा वर्ड द वर्ड बिग बैंग द लीगल वर्ड वाज स्टार्टेड. उसके बाद आया था कुछ कंडीशनल राइट्स, एक टर्म थी कंडीशनल राइट्स. में क्या था कि जो किंग होते हैं, किंग्स पर डिपेंड करना था कि वो कुछ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन से फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे आ गए थे. मतलब आप उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स नहीं, कुछ राइट्स मिलने लगे थे इंडिविजुअल को. तो फिर ये जो हुआ था, जो ये मैग्ना कार्टा ही लोवर्ड का जब हुआ था, वो हुआ था 15 जून 1215. ओके, उसके बाद क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 को एक कंट्री बनी अमेरिका. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यूएसए ने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और ये यूएसए पहली कंट्री थी जिन्होंने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. और उसके बाद भी उनको लगा कि देर इज़ अ नीड फॉर सम अमेंडमेंट इन आवर बिल्स, क्योंकि वो उनको लगा कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स देने की बहुत ज़रूरत है. लेकिन जो इंडिया वाले थे, जैसे जो नेहरू जी थे, उनको 1928 में लगा कि वी शुड गारंटीड आवर फंडामेंटल राइट्स टू द पब्लिक. तो फिर उसके बाद फिर जो B.R. अम्बेडकर सर थे, जब उन्होंने हमारा इंडिया का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, तो उन्होंने ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन कर दिया था बड़े ही प्रिसाइसली. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी फंडामेंटल, इसके अंदर क्या हुआ, उन्हें गारंटीड राइट देने थे, फंडामेंटल राइट की पूरी तरह से गारंटी देनी थी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए सिटीजन, और इन सम एमरजेंसी सिचुएशन नॉन सिटीजन्स को भी ये वाले फंडामेंटल राइट्स मिलने लग चुके हैं. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 12 है, जो पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, कि स्टेट कैसा होगा. और जो ये डेफिनेशन है स्टेट की, वो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों पर एप्लीकेबल होगी. और ये पूरे हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच में प्रिसाइसली मैंशन है. ठीक है, जो ये है, सबसे पहले उसने बात कही कि जो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन आर क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी. सबसे पहली बात उसने कही, जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो लोग स्टेट के अगेंस्ट ही, जो इसके अंदर जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 और 4 के अंदर मेंशन है, वो सिर्फ उन्हें स्टेट के अगेंस्ट ही मिलेंगे, ना कि किसी और प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट. ठीक है, उसके बाद नंबर कुछ इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पर जो स्टेट एप्लीकेबल होगी. व्हाट इज स्टेट, सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी स्टेट है इनके अकॉर्डिंग. नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यू नो वेरी वेल. गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यू नो वेरी वेल. उसके बाद आता है पॉइंट लोकल अथॉरिटी. इसके अंदर क्या है, अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट, अंडर सेक्शन 3 और सब क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है. जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी है, इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आएंगी, जो पंचायत वगैरह होती है वो आएंगी. फिर पॉइंट आता है अदर अथॉरिटीज़ का, अदर अथॉरिटीज़ के अंदर, इसके अंदर वो आती है कि कौन सा अदर अथॉरिटी कौन सी नेचर की होगी.
हमने पहले जब सारा सॉवरन डिपार्टमेंट लिया है तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि जो अदर अथॉरिटी होगी वहाँ पर, जो दूसरी अथॉरिटीज होंगी वहाँ पर भी, जो भी बॉडी, जो भी स्टैचुएटरी बॉडी अगर कोई सॉवरन फंक्शन कर रही है दैट इज़ कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो भी स्टेट का पार्ट बन जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ केसेस हुए थे। सबसे पहला केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, जो मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो यूनिवर्सिटी है क्या वो सच में स्टेट होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूरी तरह से इसको डिटरमाइन किया, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे एक उन्होंने लीगल टर्म यूज़ की थी एडजस्टम जेनरस, उसमें इसके उसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिनोटिंग अ रूल फॉर इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स एंड अदर राइटिंग्स बाय अज्यूमिंग दैट अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग अ लिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म डिनोट्स अदर थिंग्स दैट आर लाइक द स्पेसिफिक एलिमेंट्स। इसके एडजस्टम जेनरस क्या होता है कि एक ऐसे रूल को इंटरप्रेट करना जो लिखा गया है, जिसको हमने एज्यूम करना है जनरल टर्म्स के अंदर, एक लिस्ट बनानी है कि ये वाली स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अगर देंगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो स्टेट होगा। ठीक है, ये लीगल टर्म यहाँ पे अप्लाई की गई थी तो इस केस के अंदर, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है फिर वो होएगा। फिर उसके बाद केस आया उज्जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले वाला जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस वाला जो रूल था वो उन्होंने ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो एडजस्टम जेनरस टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, तो उन्होंने इस टर्म को हटा दिया था। उसके बाद फिर हमारे पास केस आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर किसी को ये नहीं कह सकते तुम्हारे पास गवर्नमेंट और सोवरेनिटी पावर फंक्शन की पावर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी बॉडी जो क्रिएट की जाती है किसी भी एनी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मेंशन है तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टेट होगी। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो गवर्नमेंट और सोवरेनिटी का फंक्शन होगा राजस्थान वर्सेज मोहनलाल वाले केस के अंदर से उन्होंने कह दिया ये फंक्शन हटा दिया कि ये नेचर होना इनहेरेंट नहीं है किसी भी बॉडी को स्टेट कहने के लिए। फिर हमारे पास केस आता है सुखदेव वर्सेस भक्तराम। इस केस के अंदर क्या आया था कि जो बॉडीज वैसे तो गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन वो अपने आगे ट्रेडिंग का बिजनेस चला रही हैं, क्या वो स्टेट के अंदर आएगी? तो उन्होंने कहा हाँ वो भी स्टेट के अंदर आएगी, जैसे कि ONGC और LIC वर्गी कंपनियाँ। उसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट आया RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या हुआ था, एक टेंडर पास करने के लिए किया गया था, तो उन्होंने क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट के बेस के ऊपर टेंडर फेल कर दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से देखा कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्टली उन्होंने ये देखा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंदर जो ये वाला जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, तो फिर वो वहाँ पे स्टेट होगा क्योंकि ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, ये सोवा हमारे उसके अंदर अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर मेंशन है। इसके अंदर उन्होंने ये भी बोला कि जो चेयरमैन दूसरे मेंबर्स और कैपिटल हैं उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस चीज़ के लिए पावर है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर स्टेट के अंदर आएगा। फिर इसने यहाँ पे एक पॉइंट लेके आए थे ये लोग, डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टमेंट। अगर ये वाले इंस्ट्रूमेंट एजेंसी हैं किसी भी प्राइवेट बॉडी के पास भी तो फिर वो भी स्टेट कहला सकती है। उसके बाद क्वेश्चन आया केस आया सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो भारत पेट्रोलियम कंपनी जो थी जो विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, वो भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल एक्ट था जो इसके अंदर वो पास थी, उन्होंने कुछ 5 क्रिटेरिया दिए थे कि कौन सी बॉडी, इस केस के अंदर हमें 5 क्रिटेरिया मिले थे कि बॉडी इज अ स्टेट और अ नॉट। नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बींग द चीफ फंडिंग सोर्स। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, जो लोग स्टेट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिनके सबसे ज़्यादा चीफ फंड रिसोर्सेज स्टेट को मिल रहा है, ऑटोमेटिकली वो स्टेट के अंदर आएगी। नंबर टू, फंक्शनल चार्टर्ड बींग गवर्नमेंट इसन, जो चार्टर्ड का फंक्शन कर रहा है जो गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल है तो फिर वो स्टेट में आएगा। नंबर थर्ड, प्लेनरी कंट्रोल रिजाइडिंग इन गवर्नमेंट, जिसके अंदर एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। नंबर फोर, प्रायर हिस्ट्री ऑफ द सेम एक्टिविटी बींग कैरिड आउट बाई द गवर्नमेंट एंड द मोड ओवर टू द न्यू बॉडी। जो पहले की हिस्ट्री की कुछ एक्टिविटी जो कैरिड की जा रही थी पहले गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने अब न्यू बॉडी बना ली है, जो न्यू बॉडी वो भी गवर्नमेंट से रिलेट कर रही है, तो वो भी स्टेट में ही आएगा। नंबर फाइव, सम एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कमांड
जो कुछ ऐसे एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी जो अथॉरिटी से रिलेट करते हैं और कमांड से रिलेट करते हैं वो इसमें आएंगे। फिर हमारे पास सोम प्रकाश के बाद हमारे पास एक और केस आया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद AIR 1981। इसके अंदर क्या था, एक डिटरमाइनिंग टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया था कि एक ऐसी एजेंसी जो इंस्ट्रूमेंट और एज ए इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ स्टेट का काम करती है वो यहाँ पे उसको भी हम स्टेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा डिटरमाइनिंग टेस्ट के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए थे। नंबर फर्स्ट, एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो कैपिटल है किसी भी कंपनी की अच्छी कैपिटल अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो वो फिर गवर्नमेंट के अंदर ही जाएगा, वो मतलब स्टेट के अंदर वो चीज़ जाएगी। या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है स्टेट को या कुछ भी। उसके बाद मोनोपोली स्टेटस मिल रहा है, डीप एंड पोवेसिव स्टेट कंट्रोल, पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल है। तो फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन, जो वो काम कर रहे हैं वो कॉरपोरेशन का काम कर रहे हैं। अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉरपोरेशन, एक ऐसा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है वो इसके अंदर आएगा। और ये था हमारा आर्टिकल 12 जिसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था और हमें ये पता चला था कि कौन सी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं, किसके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर नहीं कर सकते। थैंक यू।